दोस्तों आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर चुके हैं कहीं पे साइबर कैफ में और अभी तक आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है तो आप घर बैठे इजीली तरीका से उसको आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं बिना एक रुपये किसी को दिए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। वो ऐप्स होता है, ठीक है। वो ऐप्स कौन सा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर खोलिए, यहाँ पर आपको लिखना आयुष्मान कार्ड, ठीक है। आयुष्मान कार्ड लिखिएगा या फिर आयुष्मान ऐप्स लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ये ऐप्स आ जाएगा, ठीक है। ये ऐप्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे में डाउनलोड इसलिए मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट होगा, वेट करने के बाद इस तरह आपका इंटरफेस खुला। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करना है, आपको बेनिफिशियरी दिख रहा है, बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और अपना नंबर डालना है, जो नंबर आपके फ़ोन पर हो या फिर किसी और का भी नंबर डाल सकते हैं, ओटीपी गिरेगा, ठीक है। तो अपना नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आएगा, ठीक है, अपने फ़ोन पर ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर। वो ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। देखिए ओटीपी गिर गया, मैं चलिए यहाँ डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना और कैप्चा डाल देना है। जैसा जैसा कैप्चा लिखा हुआ है स्मॉल में कैपिटल में, तो कैपिटल में इसको सेम कैप्चा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कैप्चा डालने में आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपके फ़ोन पर। देखिए लॉगिन हो रहा, थोड़ा सा वेट करना होगा। लॉगिन हो चुका है, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट में स्कीम में जाइएगा तो आपको यहाँ पे पीएम जैसे सेलेक्ट करना है। सेकेंड में स्टेट, कौन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिहार, चलिए बिहार है तो बिहार क्लिक कर देते हैं। ये आपको कस्टमर का डालना है या फिर आप अपना जिसका भी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उसका सेम डिटेल्स भरना है। फिर सब स्कीम में आपको डालना है पीएम जय, ठीक है, इसमें भी यही डलाएगा। उसके बाद सर्च, आधार कार्ड से सर्च करना चाहते हैं या फिर आधार राशन कार्ड से सर्च करना चाहते हैं, फैमिली आईडी, आधार नंबर से सर्च करना चाहते हैं आधार नंबर, चलिए आधार नंबर डाल दें। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कौन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, कौन डिस्ट्रिक्ट में आपका राशन कार्ड बना हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे में आपको आधार नंबर लिख देना है, ठीक है। आयुष्मान कार्ड डालने के लिए अपना आधार नंबर चेक कर लीजिएगा, वही आधार नंबर सेम यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो चलिए आधार नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। आधार नंबर लिखने के बाद आपको नीचे में सर्च का ऑप्शन देगा, सर्च कर लेना है। सर्च जैसे ही आप कीजिएगा तो नीचे में आपको देखिए जो कार्ड बन गया होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। देखिए बगल में डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन खुल गया है, ठीक है। और जो नहीं बना डू के वाई से पीला है उसको आप आधार कार्ड नंबर दीजिएगा और आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और ग्रीन वाला डाउनलोड हो गया तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आधार से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओटीपी के द्वारा, फिंगरप्रिंट के द्वारा कर सकते हैं। तो जैसे आप वेरीफाई कीजिएगा ओटीपी गिरेगा, ओटीपी सबमिट कीजिएगा, कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।